बाराबंकी में मिली बालिग लड़की को प्यार करने पर तालिबानी सजा। बाराबंकी में फतेहपुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम राड़िया में हुई शर्मनाक घटना ने एक बार फिर तालिबानी सजा दिए जाने के तौर तरीकों की यादों को ताजा कर दिया है। दरअसल मामला यहां की रहने वाली एक बालिग लड़की का है, जो माता पिता की मौत के बाद अपने चाचा के पास रहती है, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसे एक गैर संप्रदाय के युवक मिथुन से प्रेम हो गया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसकी भनक जब लड़की के चाचा व अन्य परिजनों को लगी तो उन्होंने इसे अपनी तौहीन समझा और लड़की को बहाने से अपने घर बुलाकर बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसका सिर मुंडवा दिया। हो रहे हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लड़की को इन दरिंदों के चंगुल से आजाद करवाया। उसके द्वारा कोतवाली पर इसकी लिखित तहरीर देने पर फतेहपुर पुलिस ने फौरन आवश्यक कार्यवाही करते हुए लड़की के दो चाचाओं व एक चचेरे भाई सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई व सात क्रिमिनल लॉ एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिला संवाददाता आशीष वर्मा की रिपोर्ट। थाना फतेहपुर के ग्राम रजिया का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक लड़की जो करीब 20 वर्ष की है, उसने लिखित रूप से यह तहरीर दिया है कि कल उसने अपने मर्जी से एक लड़के से, जिसका नाम मिथुन है, उसे मंदिर में शादी कर लिया था, जिससे नाराज होकर के उसके पारिवारिक जन चाचा वगैरह उसके बाल काट दिए और उसके साथ अभद्रता किए, मारपीट की घटना किए, जिसकी सूचना पर उसके जो लिखित तहरीर थी उस पर अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है। तीन लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया है। शेष अन्य लोग जो हैं उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी कर